नमस्कार दोस्तों, पीएफ ट्रांसफर करवाया है या पीएफ ट्रांसफर कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पीएफ जब हम ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं फिर उसको कौन कैसे कैसे अप्रूव करता है और कब तक वो ट्रांसफर होता है, साथ ही उसको चेक कैसे करते हैं कि ट्रांसफर हमारा हुआ है या नहीं हुआ है पीएफ। दोस्तों डिटेल में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, आप जानना चाहते हैं इस चीज़ को, तो वीडियो बने रहे, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको ना तो पता होगा ना ही आपने कहीं देखा होगा, क्योंकि डिटेल में बात बताने के लिए डिटेल पता होना चाहिए। दोस्तों आप सबके लिए इतनी डिटेल में जानकारी लेके आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को देखना एंड तक, आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे, आपको नॉलेज मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर समझा देता हूं कि किस तरीके से ट्रांसफर चेक करते हैं और क्या क्या कंडीशन होती है, सारी चीजें आपको वहीं बताने वाला हूं लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है ईपीएफओ के पोर्टल पर। इस पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको साइन इन पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक पासवर्ड नहीं बनाया है या पासवर्ड आपका फॉरगेट करना है आपको, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नया पासवर्ड किस तरीके से बनाना है वो बनाकर आप यहाँ पर लॉग इन हो सकते हैं। हालांकि न्यू पासवर्ड से एंड टू एंड पासवर्ड में लॉग इन नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यूएन नंबर पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करोगे तो लॉग इन सेकंड फैक्टर का जो ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपके जो पीएफ में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा और कैप्चर डालना होगा, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है तो ये काम जरूरी है। आप यहाँ पर डालिए ओटीपी और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने बाद आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके होंगे। इस तरीके से देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पे, फिर लास्ट में तीसरे नंबर पर ऑप्शन आता है ट्रैक क्लेम स्टेटस का, उस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको आप दिख जाएगा क्लेम। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन क्लेम करते हैं, जो पैसा निकालने के लिए क्लेम करते हैं, वो यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर कोई क्लेम नहीं किया हुआ तो यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं शो हो रहा है। हालांकि दोस्तों नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफर के हमने क्लेम लगाए हुए हैं, तो ट्रांसफर के क्लेम हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी ट्रांसफर के क्लेम लिखे लगे हुए यहाँ पर दिख रहा है आपको। जो क्लेम है ऑलरेडी यहाँ पर एक तो अप्रूव हो रखा है, यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस लिखा हुआ है, यानी हमारे ये हमारा ईपीएफ ऑफिस पड़ता है, इसने इसको अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद यहाँ पर देखिए नॉट अवेलेबल आ चुका है। दोस्तों अगर नॉट अवेलेबल आता है तो आप कन्फ्यूज ना हो। नॉट अवेलेबल का मतलब होता है कि आपका जो पीएफ सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, बिल्कुल जो आपका डाटा, जो आपका पैसा था, वो आपका जिस कंपनी में आपने ट्रांसफर किया वो हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट बाय एम्प्लॉयर एंड पेंडिंग विद फील्ड ऑफिस, यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यानी दोस्तों ये जो हमारा क्लेम है, इसको हमारी जो पोजीशन है, जो दो स्थिति में जाता है। सबसे पहले स्थिति दोस्तों, जैसे आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो रिक्वेस्ट डालने के तुरंत बाद ये पेंडिंग विद एम्प्लॉयर हो जाता है। पेंडिंग विद एम्प्लॉयर का मतलब है आपकी कंपनी के पास पेंडिंग हो जाती है रिक्वेस्ट। कंपनी के पास पेंडिंग होने के बाद जब कंपनी उसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद वह जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग विद पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस चली जाती है। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, यानी फील्ड ऑफिस पे अभी ये पेंडिंग है। जो भी आपका रीजनल ऑफिस पड़ता है ये भी उसको अप्रूव करेगा। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट लगने के बाद आपका एम्प्लॉयर, अगर आप कंपनी रोल पे तो आपका आपके कंपनी रोल पे हो तो आप एचआर डिपार्टमेंट आपका अप्रूव करेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो तो आपका कॉन्ट्रैक्टर इसको अप्रूव करेगा। सबसे पहले कंपनी अप्रूव करती है, उसके बाद पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस आता है, तो फील्ड ऑफिस इसको ऑटोमेटिक अप्रूव करता है। अप्रूव होने के बाद आपका नॉट अवेल सक्सेसफुली जो ट्रांसफर हो जाता है। अभी दोस्तों जो हमारी प्रजेंट कंपनी में हमने ट्रांसफर करते हैं, वो प्रजेंट कंपनी कैसे चेक कर देंगे, हमारी प्रजेंट कंपनी कौन सी है, उस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले व्यू पे सर्विस शीट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर शो आ रहा है, इसमें मैक्सिमम आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर सारी आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी दोस्तों जो आपकी सबसे लास्ट में आपकी आईडी होती है ना, सबसे लास्ट वाली आपकी प्रजेंट आईडी होती है, हमेशा आपको पता है जिसमें आप वर्किंग होते हैं, जो प्रजेंट होती है वो लास्ट होती है। लास्ट के जो ऊपर की सारी कंपनियाँ हैं ना, इनका पैसा प्रजेंट में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट लगाई हुई, जो कि मैं आपको दिखा रहा था। तो ये जो ऊपर की सारी कंपनियाँ आपको दिख रही है ना, इसका पैसा प्रजेंट वाली लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट लगाई हुई है। तो प्रजेंट कंपनी में ट्रांसफर जैसे ही वो नॉट अवेलेबल यानी एक्सेप्ट फील्ड ऑफिस हो जाएगा तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक एक करके अपनी कंपनी को चेक कर सकते हैं। सारा पैसा ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट जो आपने लगाई है उसको अच्छे से चेक करें। ये ऊपर की कंपनियां हमारी पहली होती हैं, परजेंट होती है हमारी लास्ट वाली। लास्ट वाली में हमें सारा पैसा ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद हमें क्लेम करना होता है अपनी कंपनी को छोड़ने के 60 दिन बाद, अगर हम फुल एंड फाइनल क्लेम करना चाहते हैं तो। अगर आप एडवांस चाहते हैं तो बिना ट्रांसफर करे भी पर्टिकुलर एक कंपनी से आप पीएफ भर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अपना एडवांस पैसा निकालने के लिए। ट्रांसफर करा हुआ पैसा कंपनी के द्वारा अप्रूव करने के बाद 4-5 दिन में ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जो भी मैंने इस वीडियो बताया, सारी चीजें प्रैक्टिकली पहले खुद जानता हूं, खुद करता हूं, उसके बाद ही आप सबको अपडेट प्रोवाइड करता हूं। आपने कुछ सीखा और आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप चाहते हो कि पीएफ से रिगार्डिंग अपडेट, नॉलेज, जानकारी आप सबको मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए अब चलता हूं, मिलता हूं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।